दत्तमेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यानी DMIHERDP सावंगी मेघे वर्धा को हाल ही में NIRF 2023 रैंकिंग में देश भर में भाग लेने वाले 2478 उच्च शिक्षा संस्थानों में से समग्र श्रेणी में 75वां और विश्वविद्यालय श्रेणी में 39वां स्थान मिला है। विश्वविद्यालय ने चिकित्सा श्रेणी में भी भाग लिया और 176 भाग लेने वाले चिकित्सा संस्थानों में से 25वें स्थान पर रहा है। यह दंत चिकित्सा श्रेणी में भाग लेने वाले 155 संस्थानों में से 17वें स्थान पर है। साल 2023 में NIRF रैंकिंग में महाराष्ट्र के केवल 10 विश्वविद्यालय शीर्ष सूची में शामिल है और DMIHER 5वें स्थान पर है। शीर्ष 50 की सूची में महाराष्ट्र में केवल 2 मेडिकल कॉलेज है, DY पाटिल कॉलेज पुणे पहले और DMIHER दूसरे स्थान पर है। ये डेंटल श्रेणी के तहत प्रदर्शित कुल 7 HEI में से राज्य का तीसरा डेंटल कॉलेज है। साल 2019 से DMIHER NIRF रैंकिंग में लगातार भाग ले रहा है और विश्वविद्यालय ने शीर्ष 100 HEI में अपना स्थान बनाए रखा है। साल 2023 में देश के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाकर पहली बार उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता हुई है। NIRF रैंकिंग में शिक्षण, सिखाना और संस्थान, अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, डिग्री परिणाम, पहुंच और समावेशिता और सहकर्मी धारणा शामिल है। DMIHER DU के स्कोर में उल्लेखित सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुलाधिपति दत्ताजी मेघे की प्रगतिशील दृष्टि, प्रतिकुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र एवं सागर मेघे का सतत मार्गदर्शन एवं निर्देशन, मुख्य सलाहकार डॉक्टर ललित भूषण वाघमारे, कुलपति डॉक्टर RM बोरले, पूर्व उप कुलपति डॉक्टर गौरव मिश्रा व प्रोफेसर कुलपति डॉक्टर श्वेता पिसुलकर, रजिस्ट्रार डॉक्टर तृप्ति वाघमारे, निदेशक IQSE डॉक्टर जहीर काजी, निदेशक RND डॉक्टर पवन बजाज, नोडल अधिकारी NIRF व डॉक्टर पुनीत फूल, एसोसिएट डायरेक्टर RND सहित यूनिवर्सिटी की पूरी टीम की प्रतिबद्धता और समर्पण के कारण बाइक नेम डॉक्टर विद प्रकाश मिश्रा यूनिवर्सिटी ने यह सम्मान हासिल किया। 2023 NIRF रैंकिंग ज्या घोषित झाल्या त्याच्यात या देशातल्या 100 मानांकित संस्था यांची जी रँकिंगची यादी जाहीर झाली 5 जून रोजी, त्याच्यात विद्यापीठाला 100 यादीमधून 75th स्थान मिळाला। मागच्या वर्षी विद्यापीठ 92nd पोझिशनवरती होतं, तिथून झेप घेऊन या वर्षी कॉम्पिटिशन टफ झाल्यानंतरही 75th पोझिशन विद्यापीठानं मिळवली। याच्यातले 5 प्रमुख मापदंड असतात। NIRF रँकिंगमध्ये 1 तुमचा रिसर्च, दुसरं तुमचा इन्फ्रास्ट्रक्चर, तिसरं तुमचं टीचिंग लर्निंगची व्यवस्था, चौथं विद्यार्थ्यांचं प्रोग्रेशन आणि 5वं सगळ्या गोष्टी तुमची सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आणि सामाजिक ऋण अदायगी, अशा गमकांवरती स्टँडर्डाइज मार्क्स असतात। त्या आधारावरती विद्यापीठ या कॅटेगरीमध्ये ज्या 100 मानांकित यादी जाहीर झाली त्याच्यात मागच्या वर्षी विद्यापीठाचा जो 54th प्लेस होतं तिथून विद्यापीठ आता 39th पोझिशनवरती आलं। देशातले जे 50 मानांकित वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत त्याच्यात आमच्या महाविद्यालयाचं 25वा रँक आला आणि डेंटलचं 40 17वा नंबर आला। इन ऑल महाराष्ट्रात जर पाहिलं तर 10 विद्यापीठं जे या 100 यादीमध्ये आहेत त्याच्यापैकी आमचं विद्यापीठ 5व्या नंबरवर आहे। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ राजकुमार मोहोड़ की रिपोर्ट।